हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज मैं एक बहुत अच्छा वीडियो आप लोग से शेयर कर रही हूँ। शायद आप लोग भी बनाते होंगे, लेकिन जिनके बच्चे ड्राई फ्रूट नहीं खाते हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो देखिए, मेरे बच्चे तो नहीं खाते हैं ड्राई फ्रूट, तो मैं बना रही हूँ और मुझे अच्छा लगा तो मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और देखिए, मैं इसके लिए क्या क्या सामग्री ले रही हूँ तो मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ। तो मैं ले रही हूँ 100 ग्राम जीरा। तो मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ क्योंकि मैं एक बार बना के रख देती हूँ। अगर आप लोग जितना बनाएं उतना ही ले सकते हैं, लेकिन मैं एक ही बार ज़्यादा बना के रख देती हूँ। तो देखिए, इसको मैं ब्राउन, हल्का सा ब्राउन इसको भून ली और इसको थोड़ा सा मोटा पीस ली मिक्सर में। देखिए, इसके लिए ली हूँ मैं 50 पीस नींबू और लगभग 1 किलो छुहारा है और सब मसाला है। कौन कौन सा मैं डालूँगी बताऊँगी। और देखिए, इसके लिए चाहिए चीनी। तो ये कितना डालना है क्वांटिटी में डाल के दिखाऊँगी। और देखिए, छुहारे को बीच से काट लेना है 4 भाग और इसका सीड को बिल्कुल अलग कर देना है क्योंकि इसमें सीड नहीं रहना चाहिए। ये काटने तक ही हार्ड है फ्रेंड्स, इसके बाद बहुत ईजी है बनाना इसको। और बच्चे और बड़े काफ़ी टेस्ट से खाएंगे और ये हेल्दी भी है क्योंकि छुहारे में प्रोटीन रहता है और नींबू में विटामिन सी होता है। तो ये ज़रूर बनाना चाहिए विंटर में, क्योंकि जो लोग वेजिटेरियन हैं वो तो कुछ भी नहीं खाते हैं, तो उनके लिए काफ़ी ये हेल्थ के लिए ठीक रहता है। जो बच्चे बिल्कुल कोई ड्राई फ्रूट नहीं खाते हैं तो उनको ये ज़रूर बना के खिलाइए। और आप लोग भी ट्राई कीजिए। और ज़रूरी नहीं है कि आप 1 kg का ही बनाएंगे, कम का भी बना के पहले आप टेस्ट कीजिए। और देखिए, नींबू को मैं ये सीड निकाल ली और पूरे रस को निचोड़ूंगी इस छुहाड़े में। काफ़ी रस चाहिए इसके लिए ताकि इसी में छुहाड़ा पूरा फूल जाए। इसका पूरा फूलने तक इसमें डालना है। तो इसका क्वांटिटी होना चाहिए रस का, ज़्यादा रहेगा तभी इसमें ये काफ़ी अच्छा से फूलेगा छुहाड़ा। और उसके बाद देखिए, इस कवर को भी मैं नहीं फेंकूंगी छिलके का, इसका भी मैं अचार बनाऊंगी। और काफ़ी नींबू चाहिए इसके लिए क्योंकि ये नींबू का रस से ही ज़्यादा टेस्टी होता है और उसी से फूलेगा। जैसे पानी नहीं डालना है इसमें बिल्कुल भी। तो देखिए, मैं सब रस को निचोड़ के तब दिखाती हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाएगा और वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सा निचोड़ के आप लोग से दिखा दे रही हूँ, इसके बाद मैं पूरा निचोड़ के आप लोग से दिखाती हूँ कि कितना इसको चाहिए। तो देखिए, इतना इसका सीड भी निकला है काटने के बाद। तो इस सीड को भी मैं DIY बना दूँगी, इसका बहुत चीज़ में यूज होता है। तो ये भी मैं कभी शेयर करूँगी आप लोग से। और देखिए, ऐसे एक बार में इतना नहीं निकलता है जैसे 2-4 हम लोग खाते हैं तो, लेकिन ऐसे काफ़ी निकल जाता है। तो देखिए, मैं सबको कट कर ली क्योंकि ये निचोड़ने में आसान होगा। देखिए, अगर मशीन से भी निचोड़ सकते हैं, लेकिन मुझे इसका छिलके का भी अचार बनाना है। कहा जाता है ना कि आम के आम और गुठलियों का दाम, तो वही मुझे करना है। इसका अचार बहुत टेस्टी होता है इसका छिलके का। और ये भी मैं आप लोग से दिखा दूँगी कि कैसे बनता है। देखिए, सब निचोड़ ली मैं, पूरा रस से पूरा तर तर हो गया है। इसका रस काफ़ी होना चाहिए इसके अंदर, ये कल परसों में काफ़ी फूल जाएगा पूरा। देखिए कितना ज़्यादा रस है, अगर रस नहीं रहेगा तो ये सूखा पड़ जाएगा। तो इसलिए इसमें मैं लगभग 40 से भी ज़्यादा नींबू को निचोड़ ली। और देखिए, इसका निचोड़ के मैं अचार बनाऊंगी गुड़ का, क्योंकि गुड़ में कैल्शियम होता है, विंटर में खाना चाहिए गुड़। और बहुत टेस्टी भी होता है गुड़ और नींबू का अचार, वो भी मैं वीडियो के लास्ट में आप लोग से दिखाऊँगी। उसका मैं वीडियो तो नहीं बना के दिखाऊँगी, लेकिन लास्ट में दिखाऊँगी। तो देखिए, इसमें क्या क्या चाहिए। देखिए, चीनी, तो ये अपना क्वांटिटी से डाल सकते हैं क्योंकि कोई मीठा खाता है, कोई ज़्यादा मीठा खाता है। और मैं अपने अंदाज से डाल रही हूँ क्योंकि मैं अंदाज से ही बनाती हूँ अपने घर में। देखिए, ज़्यादा मीठा भी नहीं रखूँगी और ज़्यादा खट्टा भी नहीं रखूँगी। तो खट्टा, मीठा और तीखा बहुत टेस्टी अचार होता है, और बच्चे तो बच्चे बड़े भी खाएँगे। और देखिए, अब मैं इसमें क्या डाल रही हूँ, ये ब्लैक सॉल्ट है, काला नमक। तो ये सब अपना स्वाद अनुसार डालना है। 2 चम्मच मैं डाल रही हूँ। और देखिए, ये सफ़ेद नमक है,
वाइट सॉल्ट, तो इसको मैं लगभग 4 चम्मच डालूँगी, क्योंकि टेस्ट करने के बाद ही नमक पता चलता है फ्रेंड्स। ऐसे मैं अंदाज से डालते रहती हूँ। और देखिए यह है कश्मीरी मिर्च, तो मैं रेड चिल्ली इसलिए नहीं डाल रही हूँ, काफ़ी तीखा होता है, तो इसलिए मैं डाल रही हूँ कश्मीरी मिर्च। और यह देखिए भुना जीरा, जो अभी मैं आप लोग से दिखाई थी, तो मैं बना के रख देती हूँ, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ बनाते रहती हूँ फ्रेंड्स, लेकिन मैं वीडियो नहीं डालती हूँ। मुझे ये थोड़ा सा अच्छा लगा कि जिनके भी बच्चे नहीं खाते हैं, जो मैं फेस कर रही हूँ, शायद आप लोग भी करते होंगे, तो ऐसे बना के खिला सकते हैं। और यकीन मानिए, बाहर का बिल्कुल च्युइंगम और चॉकलेट खाना भूल जाएंगे बच्चे, और इतना टेस्टी होता है कि मैं क्या बताऊँ। आप लोग खुद बना के ट्राई कीजिए और देखिए, उसके बाद कमेंट कीजिएगा कि कैसा लग रहा है। और आज ही से मेरे घर खाना शुरू हो जाएगा। अगर आप लोग को ज़्यादा दिन रखना है, तो आप इसको 2-3 दिन धूप में रखिए। मैं तो 1 से 2 दिन ही धूप में रखूँगी, और ये सालों साल चलता है फ्रेंड्स। ये जितना पुराना होता है, काफ़ी अच्छा होता है। तो देखिए, अभी से ही मेरे घर खाना शुरू कर देंगे बच्चे। मेरे बच्चों को बहुत पसंद है ये सब अचार, ऐसे कोई नहीं खाता है। 6-6 महीने तक ये छुहाड़ा पड़ा रहेगा। तो देखिए, थोड़ा सा कम रेड दिख रहा है, तो ये लोग नहीं खाएंगे। तो मैं थोड़ा सा और इसमें कश्मीरी मिर्च डाल रही हूँ, क्योंकि इन लोगों को कलर भी चाहिए। तो आप लोग चाहे तो मिर्च भी स्किप कर सकते हैं, और जैसे शुगर वाले लोग खाते हैं तो शुगर भी स्किप कर सकते हैं। देखिए, और बहुत अच्छा से बन गया ये, बिल्कुल हल्का है ये बनाना। और देखिए, कोई भी अचार हो, मैं कभी प्लास्टिक के डब्बे में नहीं रखती हूँ, चाहे कितना भी स्टैंडर्ड डब्बा हो। हमेशा कांच के बर्तन यूज करती हूँ अचार के लिए, और नमक के लिए। नमक भी मैं कभी प्लास्टिक में नहीं रखती हूँ, और अचार भी। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया इसमें। और अब 2 दिन इसको धूप में मैं रखूँगी, उसके बाद खाने को दूँगी। लेकिन मेरे घर अभी से ही शुरू हो जाएगा, और ये 3-4 दिन से ज़्यादा नहीं टिकने वाले हैं मेरे घर, क्योंकि बड़े और छोटे सब खाते हैं बहुत टेस्ट से, और मुझे भी बहुत पसंद है। तो मैं विंटर में इसको ज़रूर बनाती हूँ। और ये नींबू का जो छिलका बचा है, उसका भी मैं अभी बना के दिखाऊँगी, देखिए। और एक बार अगर ये अचार आप लोग खा लेंगे, तो कभी भी नींबू को नहीं फेंकेंगे। ऐसे 1-2 नींबू यूज होता है, तो वो तो फेंकना ही पड़ता है फ्रेंड्स। इसमें भी मैं यही सेम प्रोसेस रखूँगी, लेकिन गुड़ को उबाल के इसका पाक बना के मैं डालूँगी। तो इसका वीडियो तो मैं नहीं डाल रही हूँ, लेकिन लास्ट में कैसा बनता है ये मैं आप लोग से दिखा दे रही हूँ। बहुत अच्छा होता है फ्रेंड्स, आप लोग ज़रूर बनाइए, ट्राई कीजिए। इसलिए मैं डाल रही हूँ, देखिए इसको मैं रख दी, और 2 दिन धूप दिखाई हूँ। और जब देखिए, इसको भी मैं धो ली, सीड को कितना फ्रेश हो गया। इसका भी DIY बना के दिखाऊँगी। और देखिए, नींबू का अचार मेरा रेडी हो गया। और कैसे बनाई हूँ, अगर आप लोग को कमेंट करके बताइएगा, तो मैं बना के दिखा दूँगी। थैंक यू।